गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एबीएन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में कंप्लीटली स्टडी अबाउट द मेन एंड नाउ वी स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियम। मीडियम को हम कैपिटल एम के थ्रू क्या करते हैं, प्रेजेंट करेंगे। और मीडियम जो है उसकी कैलकुलेशन भी डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनकी जो फॉर्मूले हैं वो क्या होंगे, भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं अकॉर्डिंग टू द सीरीज। तो फर्स्टली अपन क्या करेंगे, इनके फॉर्मूलों को अंडरस्टूड करेंगे कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है, और उनको किस टाइप से अपने को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट चीज अपने को दे रखा है इंडिविजुअल सीरीज जो अपनी है, योर पर्सनल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज और पर्सनल सीरीज है, उसके अंदर जो मीडियम को अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो मीडियम को कैलकुलेट size of n plus 1 upon 2 the item, ठीक है। फर्स्टली आपको क्या करना होगा कि ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी सीरीज आपको दी हुई रहेगी, उस सीरीज को आपको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में आपने सेट किया, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला को डब करना होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में एन जो होती है वो अपनी होगी नंबर ऑफ वैल्यूज, एन जो अपनी होगी वो होगी अपनी नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज का जो टोटल होगा, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी होगी वो क्या मानेंगे, एन, ठीक है। वो अपना क्या होगा, इंडिविजुअल सीरीज या पर्सनल सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा, ठीक है। फर्स्ट ये अपन क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज या पर्सनल सीरीज जो है उसके अंदर फॉर्मूला एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन के बेसिस पे अपन मीडियन की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे वैल्यू दी हुई है अपने को या साइज दी हुई है, वो दे रखी है अपने को 2, 3, 5, 6 8 plus 1 कितने हुए, 9, 9 को अपन 4 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएंगे, 4
4.5 भी एंटर, मतलब 4.5 भी एंटर। तो पॉइंटों में आ रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, ये देखेंगे फोर्थ नंबर पे कौन सी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो देखो आप 4.5 आ रहा है तो फोर्थ और फिफ्थ की जो वैल्यू है उसको अपन वो लेंगे। अगर एज इट इज ओनली 4 आता फोर नंबर की वैल्यू को अपन ले लेते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये अपना क्या हो जाता मीडियम हो जाता। बट इसमें क्या आ रहा है 4.5 आ रहा है, इट मींस अपने को फोर्थ वैल्यू एंड फिफ्थ वैल्यू को लेना होगा। ठीक है, और उनको उनका भी अपने को क्या करना होगा एक मिड वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, तो अपने को मीडियम निकालोगे तो n इक्वल टू क्या करोगे फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम को अपन ऐड करेंगे और उनको डिवाइड करेंगे। तो फोर्थ आइटम कितना रहा है, फोर्थ कितना है 5 एंड फिफ्थ आइटम होता है 6 एंड डिवाइडेड बाय इस। ठीक है, m इक्वल टू अपना कितना आएगा 5 और 6 कितना हो गया 11, 11 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा
the size of n plus 1 upon 2 the item. ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब अपने को फर्स्टली क्या करना है, n की कैलकुलेशन करना है। तो n क्या होती है भी, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होगा वो अपना क्या होगा, n होगा। n का अपन टोटल करेंगे तो वो अपना कितना आएगा भी, 46, क्योंकि अपने cf बनाई है तो उससे कैलकुलेट हो गया कि n का टोटल कितना आएगा, 46 आएगा, ठीक है। 46 अपना क्या आ गया, n का टोटल आ गया, ठीक है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले में इसको पुट अप करेंगे, m is equal to size of, ठीक है, n अपनी कितनी है, 46 plus 1 upon 2 the item, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, 46 plus 1 upon 2 the item, m is equal to अपना कितना आएगा, m size of 47 को अपन क्या करेंगे भी, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 47 को डिवाइड करेंगे 2 से तो अपना कितना आएगा, 23.5 the item.